चैत्र नवरात्रि पर्व के तीसरे दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के आराध्य देवी मां परमेश्वरी देवी के दरबार पहुंचे और मां भगवती के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों व मीडिया से भी चर्चा की। सीएम विष्णुदेव साय के साथ राजनांदगांव लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे, रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू, विधायक अनुज शर्मा, मंत्री टंकराम वर्मा भी माई के दरबार में अपना हाजिरी लगाने पहुंचे। दर्शन के बाद वे चंद्रगिरी भी पहुंचे। आपको बता दें कि दर्शन के पूर्व मुख्यमंत्री खैरागढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मुढ़ीपार में आयोजित सभा को संबोधन करने पहुंचे और कांग्रेस पर जमकर बरसे। राजनांदगांव से नेमिश अग्रवाल की रिपोर्ट। पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। आज हम सभी लोग माँ बम्लेश्वरी के शरण में यहाँ पर आए, उनका दर्शन किए, उनका पूजन अर्चन किए और उनसे यही कामना किए हैं कि छत्तीसगढ़ में उनका आशीर्वाद सदैव बरसता रहे और छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो, सभी छत्तीसगढ़ वासियों का जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो।